नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी स्वीट कॉर्न ढोकला की रेसिपी, यानी भुट्टे के ढोकले की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं। स्वीट कॉर्न आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रोज़न या फिर नॉर्मल वाली। स्वीट कॉर्न को एक बार हम वॉश कर लेंगे। आधा कप ली है मैंने दही, दही जो हम यूज़ करेंगे खट्टी नहीं होनी चाहिए। एक कप ली है मैंने सूजी, सूजी एकदम बारीक वाली इसमें हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, तो एकदम बारीक हो जाएगी। तो पहले एक मिक्सी के जार में हम स्वीट कॉर्न डाल लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये स्वीट कॉर्न मैंने ग्राइंड कर लिए, देखिए। अब मैं इसमें डालूंगी दही और इसको मैं फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसकी एकदम फाइन पेस्ट में बना लूँगी। तो ये देखिए, स्वीट कॉर्न हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इसकी एकदम फाइन पेस्ट बन गई है। इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बोल में। तो स्वीट कॉर्न और दही का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। तो मैंने यहाँ पर ली है 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है मैंने नमक। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मैंने मिक्सी के जार में 2 चम्मच पानी डाल दिया है। इस पानी को हम इस बैटर में मिलाएंगे। पहले हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे एक बार ही मिक्स कर लेंगे और बाकी बचा हुआ पानी भी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच पानी इसमें डाल दिया है। तो इस बैटर को हमें इतना थिक रखना है, ये देखिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सूजी हमारी फूल जाए। और 15 से 20 मिनट के बाद इसके हम ढोकले बनाएंगे। तो बैटर को रखे हुए करीबन 20 मिनट हो गए हैं। एक बार इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा बैटर बिल्कुल ठीक है। इसको स्टीम करने के लिए मैंने इस तरीके की ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरीके की ट्रे नहीं है तो आप चाहे तो थाली में या फिर इस तरीके से कटोरिया लेकर उनको ऑयल से ग्रीस करके ढोकला बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस ट्रे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो इस ट्रे को ऑयल से हर तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप कटोरी में या फिर थाली में बना रहे हैं तो उसे भी आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इस टिन को हम साइड में रख देंगे। अब इस बैटर में मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच इनो, यानी 1 पैकेट इनो का इसमें हम डाल देंगे। जो इनो इसमें मैंने यूज़ किया है, नॉर्मल वाला यूज़ किया है जो बिना फ्लेवर के मिलता है। इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इनो डालने से हमारा बैटर एकदम फ्लफ़ी हो गया है। इनो डालने के तुरंत बाद ही इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनो को बैटर में मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम डाल देंगे ट्रे में, जिसे हमने ग्रीस करके रखा है। बैटर डालने के बाद इसे एक बार हम टैप कर लेंगे, ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए और बैटर हर तरफ बराबर स्प्रेड हो जाए। अब इस ढोकले के बैटर को हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। अगर आपके पास बड़ा स्टीमर है तो आप उसमें भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो ढोकले को हम ढककर पकाएंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे और जब ढोकले को हम स्टीम करने के लिए रखें तो पानी एकदम हमारा गर्म होना चाहिए। तो ढोकले को रखे हुए करीबन 15 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेंगे ढोकले को हम। तो इसमें हम एक टूथपिक डालकर देखेंगे। टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब ढोकला हमारा तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इस ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। तो ये ढोकला हमारा अभी गर्म है, इसे हम ठंडा होने देंगे अच्छे से। उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो ये ढोकला हमारा ठंडा हो गया अच्छे से। इसको हम साइड से अलग कर लेंगे इस तरीके से।
अब इसको हम एक प्लेट के ऊपर उल्टा कर देंगे और इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए ढोकला हमारा तैयार हो गया है, एकदम फ्लफी ढोकला बनाया है हमारा। इस ढोकले को वापस से हम ट्रे में डाल देंगे। वापस से ढोकले को ट्रे में डालने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो जिस भी साइज़ के आपको पीसेस चाहिए आप कट कर सकते हैं। ढोकले को कट करने के बाद इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच राई, थोड़े से डालूंगी मैं इसमें करी लीव्स, और करी लीव्स को राई को हम क्रैकल होने देंगे। जब करी लीव्स और राई हमारी क्रैकल हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी दो हरी मिर्च जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। दो डाली है मैंने साबुत लाल मिर्च। इन सब को एक बारी मिक्स कर लेंगे। तो ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक, करीबन चौथा चम्मच मैंने नमक डाला है इसके अंदर। इन सबको एक बार ही मिक्स कर देंगे और पानी को हम उबलने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसे हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। तो जो ढोकले के लिए हमने तड़का बनाया था वो ठंडा हो गया है, अब इसको हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। हर तरफ बराबर से इसको हम डाल देंगे। तो ये सारा तड़का मैंने ढोकले के ऊपर डाल दिया है। अब इसे हम इस तरीके से ये छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा कॉर्न ढोकला यानी भुट्टे का ढोकला। इसे आप सर्व कीजिए इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, तो ये और भी टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।